11 Gangarampur Pashchim Bengal Nada Dusara quarter hua ti Hindi India Nada pahil quarter ni nyanda Nada ka ekwata team semi final ko Jaga ko hameta Nada samay ghaan lehi BSK college para hamba team Nama odi sandar ku atil da Pakul birudre Mite gul Tayum hukur kate raho Eske baat kublo gula lada Har pergana tola Una pel har bunyal lekha Diamond kala mahanpur birudre Unku hai ka akli Mita me 30 second kan ki sabay sada ikan tha Har kublo gula lada Aliya tala re mite arho Srikan chabol khatar na khidari Nanti chatra re Inter ya pias Lekin jan bu chata thila kate ni Rukami dia ko kubu kutu gida Har referee ay sarad mado Nado, kol re esara huina. Thoda sa bahat par rokne ki koshish kiya gaya tha janbujh karke. Aur PSK ko line par Harba ki team ko ek sunhara chance milta hua free kick mein. Ha golle ka try lagayenge. Dekhna hai kis tarike se shot lagayenge ye dekhne wali baat hogi. Dekhna hai is muqable mein PSK college par Harba Samir ke upar सभी की निगाहें रहेगी समीर बेसरा 11 नंबर में और सुकान करेंगे बस दोनों स्ट्राइकर बंगाल के विरुद्ध किस तरीके से अपना दमखम अपना कला कौशल दिखाते हैं क्या कारनामा दिखाएंगे टीम के लिए ठीक ही के लिए फिलहाल लाइसेंस टीम के कैप्टन शॉट लगाना चाहा बहुत ही सुंदर थ्रू पास के जरिए लेकिन गेंद को सुरक्षित बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को इंटरसेप्ट किया गया है हालांकि वहां पर डेविड बेको थोड़ा सा वहां पर अपील किया था लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं रेफरी ने वहां पर बहुत ही सुंदर जजमेंट lomba Tadi bedring gati banget sekwegi Okwata tim sebi bhanar ke rekabat Wadho semuanya okte gihan lo ya Menkan banat tim biadi kurmutu re Nia bich re aslam hata te Lomba platen sot Arho gajal malda jitan re Sorry nore BSK college bar harba jitan re Daba bana fedha Menkan Tana sara semua nao kata hekera Umes mahata te bolo kilir na बॉल आया कब्जे रे गुड़िया कुरबटु मंडी थे बॉल होल्डिंग मिड फील्ड पर ओका दो हाफ लाइन को एडी बॉय समीर लगी काफी देर बाद समीर थोड़ा गान अडी थोड़े स्किल के साथ बॉल आया कब्जे रे दोहरिया कुरबटु था इसी बीच एक बार फिर से डेविड बेको के पास गया देखना है पार्कोस की दिशा में गेंद को छाल दिया है खतरा होने की संभावना लेकिन उतना ही सुंदर गेंद को इंटरसेप्ट किया गया है अक्वा छत्र पेगी बड़े खड़े बॉल लहासे गाती की दाउंड है तो मंगल हस्ता और फिलहाल रिलीज बॉल थ्रू पास के जरिए वही खिलाड़ी स्पीड स्टार बनाए वहां से बल्ला रिया कुरमुटू और गोल और आज तक का दो दिन में सबसे सुपर गोल क्या बेहतरीन जैसे ही ये खिलाड़ी को इस तरीके का मौका देंगे और समीर बेसरा ने जिस तरह से गेंद को अकेले दम
गोल पर लेकर जाते हुए शानदार गोल दाग दिया इस फर्स्ट हाफ में। और इसीलिए ये खिलाड़ी कहे जाते हैं कि ये जब भी मिलता है तो बुलेट की तरह ये खिलाड़ी, जो अपाची का जो माइलेज होता है उस तरीके से ये खिलाड़ी दौड़ते हैं। और पूरी तरह से एक गोल की बढ़त इस समय बंगाल के विरुद्ध पीएसके कॉलेज पर हरबा की टीम बनार रखा हुआ है। स्टेज पर जजो मान लेगा एकाल दी तो खाली चुकता बुल पे बाबा जी नाड़ी नी तो एकदम बराबर को हजूर की बिना हुआ बैक पे निरंतर यहां बढ़ रही है ना तो मां उसरा कमी ट्रेन पड़ा हजूर तीन पे कल खाली चुकता बुल पे ना कोई बोल मेता बहाव का हुआ और ना तो एक मैंने जब तो कल खाली तोड़ चुकता बुल पे ओका हम बांग जहार गी मान लेडी कैंपस भीतर रहती ना दोबारा क्या कल भी खाली चुका आप आड़े टुला रहे गोगो जोना तक को बेटी तक को मिश्रा तक को बहन करा उनको को जमा नाला बुन दिक्कत चुको अब जहाँ करे को नडे को तिगु पड़ाव को ना उनको खाली चुकता बनता है कमिटरेन पड़ा को मी बारी नहीं अंदर खाली बेज लगा को तबे तिगु मराए के ढंका तो बांग कमी तो बनता है आर नडे खाली चुकता बन कर सोरा अलग में ना उड़ा वापस आले सरन में बिना कुछ ही कुछ कर दो ना तो बांग उनका नियम करना तो नियम करना जो कहर लगेगी आबुरन गुहा मिश्रा तक लगेगी ये स्पेशल जगह बंद होगा तो दोनों साइड आप लोग खाली करवा दीजिए ठकरे सरेकन तक लगिया कि मिया या कंदी या सही में रिंकू जी आपने बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि पिछले साल जिस खेल को जहां से उसने छोड़ा था समीर ने और वहीं से स्टार्ट किया है वापसी से समीर ने एक गोल की जो बढ़त और मेरे मुझे लगता है रिंकू जी मुझे जहां तक याद आ रहा है मेरे कमेंट्री की जहां तक बात है मैं समीर को इससे पहले जर्मिन लीग में उनको जानता नहीं था और इसी मैदान से बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हो गया था और मेरे नजर में मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था जब पिछले साल पहली बार इस मैदान पर खेलते हुए मैंने समीर को देखा था और स्किल से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया था और इस साल आखिरकार ये खिलाड़ी कम समय में ही एक दो साल के अंदर इस खिलाड़ी ने एक अपना ही अलग ही छाप छोड़ दिया है फुटबॉल के खेल के क्षेत्र में और काफी अब डिमांडेड प्लेयरों में बहने जाते हैं काफी डिमांड में रहते हैं और जिस तरीके का यहाँ पर खेल दिखाया है वास्तव में काफी से समीर के लिए फिलहाल गेंद को रिसीव नहीं कर पाए और फिलहाल एक काफी से देखना है लाइसेंस टू डू थोड़ा सा गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए बैक पास करना चाहा मंगल ने गेंद को आगे खेल दिया टिकरी खेल दे सीव टू डू और टिकरी और टिकरी मिठाई काफी मीठा होता है क्या दमदार मैच एक जबरदस्त प्रस्तुति देते हुए एक बार फिर से लाइसन अंदर घुसने की कोशिश मगर वहां पर रक्षक पंथी ने उनसे गेंद को छीन लिया गया और फिलहाल गेंद को लेने की कोशिश असलम विदेशी मूल के ये खिलाड़ी थोड़ा सा गेंद को स्लो किया और छोटा सा पास साथी सहयोगी खिलाड़ी बिशु के लिए बिशु से गेंद आगे निकल गई है और जर्सी नंबर 9 विश्वनाथ किसको गेंद को सही तरह से ट्रिप नहीं कर पाए और फिलहाल समीर इस बार गेंद को जीत लिया है और समीर बेसरा फिलहाल यहाँ पर गेंद के लिए आगे निकलने की कोशिश बहुत ही सुंदर गुड ड्रिबलिंग लेकिन रेफरी का इशारा वहां पर लेट चैलेंज
और फिलहाल क्या स्किल्ड है और ये टेक्निक है, एक अलग ही टेक्निक है रिंकू भाई। मैं कभी ऐसे खिलाड़ियों को देखता हूँ कि आपने पैरों के बैकहील से किस तरह से गेंद को स्केट करके आगे की ओर निकालते हैं, ये बड़ा ताजुब करने वाला है। ये एक स्किल है, एक अलग तरह का कला है और समीर ने एक अलग ही एक तरीके का पहचान बनाया है रिंकू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, ये सही बात है कि इस तरह की खिलाड़ी और सही में समीर जैसा खिलाड़ी बहुत कम ही देखने को मिलता है हमारे, खास करके संथाल प्रणाम में इस तरह का खिलाड़ी बहुत ही कम है और जो स्किल समीर के पास है वो बखूबी उसका फायदा उठाता हुआ। और मैं जैसे शुरुआती छंद से कह रहा था कि समीर जो 2021 में जिस जगह को छुआ था वहाँ पर बस फिर से वहाँ उसी जगह से वो अपने गेम को स्टार्ट किया और एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत मैच को दिखाते हुए और कहीं ना कहीं इसी तरह का खिलाड़ी को हर खिलाड़ी को इस सोच के साथ अपनी टीम के लिए खेलना होगा। एक बार देखना पुनः एक बार मैच, लेकिन बहुत ही अच्छी कलेक्शन काजल बाल्टा के कीपर द्वारा और एक अच्छी शॉट लगाते हुए और एक लंबा किकअप लगाते हुए, लेकिन जब तक समय है दोनों टीमों के पास एक जीत बंधी हुई है कि आखिर इस मैदान पर चैंपियनशिप किसके नाम होगा और देखना है कि वो दोनों ही जीत पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो खेल का स्वरूप है वो किसी न किसी प्रकार से बीएसके कॉलेज बरहवा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और बुके करते हुए 10 नंबर खिलाड़ी के ऊपर गाजर मालदा के खिलाड़ी के ऊपर और एक फ्री किक लेते हुए बीएसके कॉलेज बरहवा के खिलाड़ी कहीं ना कहीं ये किक सगा लेते हुए और अच्छी किक लगाया है, लेकिन उतनी अच्छी क्षेत्र चंद गाजर मालदा के खिलाड़ी द्वारा अपने एक बार और मैं चाहूंगा सुशील क्या लग रहा है कि गाजल मालदा के खिलाड़ी ये जो बढ़त बना रखे हैं बीएसके कॉलेज के खिलाड़ी क्या उसको बहते हुए समय पर वापस करके अपने टीम को बराबरी कर पाएंगे या फिर प्रकार का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर। और जहाँ तक इस मैच को देखा जाए समय इस मैच में काफी है और ये फर्स्ट हाफ का मैच लाइबन पर और समय रहते अगर इनका प्रयास रहा तो वाकई में यहाँ पर मैच को वापसी किया जा सकता है। स्टेज का दुबू नेले कनवा जिलिंग पंडाल बनाओ कनवा जजमते नखर है नवा तयों से रहे ना कोना एरिया से रहे मोटरसाइकिल को आयमागन बहाक पे तिगु बनाओ का मोटरसाइकिल मजबूत लगी प्रयास दूसरा गोल लगी बनखन गाजल मालदा टीम हो अडेगी सशक्त टीम और बनखन हर हाल में वापसी लगी किलोमीटर है बना पर और जर्सी नंबर 4 हरो का प्लेयर से देखो संजय सोरेन और राइट लेग में चंद्रखोन डीप रहे अदर बॉल और सुंदर शॉट और डेबिट फॉर अनर खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 देखो डेविड बेको
लेकिन ना बॉल बाय कने तरीना आरु देखन दो पोजीशन आर में थम काजे लगे जर्सी नंबर 6 होगा खेल देखन सनातन बेंकन बॉल टच लाइन पर धरे चला पाए ने बॉल तो पाए ने और बिया दाद ना उका तो दोसार क्वार्टर फाइनल मैच हुआ बना टीम रन टीम मैनेजर अब नित खोल गया उगत पर तहना मजदूर एकता क्लब पर गाना पड़ा वर्सेस पीके लगन गंगारामपुर दुआ बाद ना दोसार क्वार्टर फाइनल मैच अब चला रही हुआ और डेकोन ने धबी काजल छतर लगे बॉल जर्सी नंबर 12 हरो का खिलाड़ी डेकोन असलम पड़ा बॉल आरिंग सहयोगी प्लेयर से गति लाओ गति थे यहाँ पेन का नोट कर जर्सी नंबर 11 नंबर समीर बता बे पाला थे की नजर का अच्छा पास नोट कर बोरों लगी अलग बोरों नोट कर आरिंग सपोर्टिंग नोट कर लाइसेंस को भी लाओ गति यार अलग क्यों नहीं साथ में कोई नोट लोग कुछ उठाना पेन का हर संभव प्रयास उन्हें जल जाम ना लाइसेंस आर उन्हें कोड नीचे जबरदस्त तरीके से उन्हें टेकल ना प्रयास है कि ना सनातना आर उन्हें कोड नीचे रोम प्लेइंग ना डिसीजन ओपन सरकार द्वारा आर नीचे फ्री की कंसिड करना नहीं था हम बीएसके कॉलेज बाहर वाले की मनोबल थोड़ा सा ऊंचा है और एक सुने से लीड करने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं बीएसके कॉलेज का जो पकड़ है थोड़ा मजबूत होता हुआ और यहाँ काफी ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर गाजल मालदा की टीम इनका प्रयास होगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर फर्स्ट हाफ के मैच में ही इस मैच को वापसी किया जाए अच्छा शॉट सीधे यहाँ पर स्ट्राइकर क्षेत्र पर जर्सी नंबर 14 पहने हुए खिलाड़ी के लिए यहाँ कुमार हंसा के लिए सुंदर मौका यहाँ पर ये देखिए पोजिशन आउट हुए हैं चांद मुर्मू और इसी के साथ यहाँ पर रिबाउंड होने के बाद एक सुनहरा मौका मिला था गाजल मालदा को लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चूक हुआ है यहाँ से देखना होगा इसी बीच आ रही बार गाजल की टीम जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी यहाँ पर बिस्सू मुर्मू यहाँ अच्छा पास खेल लिया है थोड़ा बिस्सू के लिए गया बिस्सू ने अच्छा पास निकाला इस बार संजय के लिए और यहाँ से जर्सी नंबर 10 पहने हुए खिलाड़ी यहाँ पर डेविड डेविड बिको देखना होगा ये बाकी समय में जहाँ तक एक गोल होने के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि गाजल मालदा की टीम दबाव में आते हुए लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चांस के ऊपर चांस बना रहे हैं यहाँ पर गाजल मालदा लेकिन मैच के में अभी तक वापसी नहीं कर पाए हैं जहाँ तक हमको अनुमान लग रहा है अगर ऐसे ही मैच खेलते रहे मालदा की टीम तो यहाँ पर निश्चित ही इस मैच को ये वापसी कर पाएंगे आज सुशील पहल भाव पहली बार यहाँ का ना खिलौन रहे उनका ना इंसिडेंट कर रहे ना जब दर्शक को आप पढ़ाए कोई हाई होते हैं से हो हल्ला ये होना और बका इधर का लहर होता है जो तो भी जो तो है ना उनका ठीक तो मैच की जलक था मैंने कहा मैं घड़ी लहर है उनका खलबली मचा लगा उत्तर रखा ना गोल पोस्ट के लिए उनका एक ना जे गाजल टीम को गोल रोबर्ट कराए बड़ी घमासान मैच चला करा और नियम मैच रिया नित्य में नतीजा अगर हम जल खाए तो नोटे गाजल मलदा थोड़ा गन तयम गिनना को आप फूल रह गया जैसी बना पर हरवा टीम को देखो लहा गया बीएसके कॉलेज रुकड़ा को और बड़ी शानदार खेल कमिटी रन कोना थे लिए कि नहर और पिया गन कोना ने मौजूद पे पहन आपको तो साइकिल चला पकड़ा है आप टाइम होते रहे और का तो पेपे गुटा साइकिल में आप मैन ऑफ द मैच बेस्ट गोलकीपर और सीरीज वाला अपने ग्राउंड पे आदर रहा तो बड़ी शानदार मैच सुशील और वहाँ पर ही हाथ हो लगभग लगभग कम समय से बिना मैन था लड़ी घमासान गति तो का दो सेमीफाइनल से डरो लगी बड़ा टीम भी और जी हाँ ऐसे बनर की जी जान की लगाओ का ऐसे नोड़ा खून जहाँ था टीम की नोड़ा खून की जितो खान उन्हें तो प्राइज फोन रहा यार यूट्यूब में अंकित तैयार साउथ सुगे तो मीटे उन्हें ठहर ऑप्शन दहरा जब उन्हें तो फाइनल में सेटर हो लगे मीटे जगाई मीटे ठहर ये बना जोगा और नोड़ा खून जहाँ था टीम की जितो वाह जो तो हम लोगों बना गया ये सेमीफाइनल टीम जहाँ की बना उन्हें तो एकदम सुनिश्चित किया उन्हें तो 70,000 का रन उन्हें तो हकदार बना कर गया प्लस उन्हें ठहर मीटे पॉइंट दहरा
पाकुड़ के टीम के मैनेजर सुनील जी।
सुनील सोरेन जी जो कि खुद टीम मैनेजर का है एफसी इलाहाबाद पाकुड़ अनिल लंबा समय को है चला बना हुई था और थोड़ा फर्स्ट एड टीम थोड़ा सा एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं पानी का और स्प्रे का आप लोग व्यवस्था कीजिए थोड़ा को थोड़ा एक्टिव जाता दर्द दी तौर पर बस थोड़ा का नोट मंडी है बजाओ का ना तो एक मेहनत है बीएसके कॉलेज पर हरवा लगी नोटे मीटे ऑफर 1500 रिया जहाँ टा खिलाड़ी सेकंड को बोले कर खाए अड़ी खड़ा खड़ नोटे 500 टका से तेरी यार नोटे नोट से गो टू का अड़ी गरम ही क्यों था और नवादा खिलाड़ी को पढ़ा बीएसके कॉलेज रन बसरते सेकंड गोल को दगाव खाए तो जल को आप नोटे तो का ऑफर करा उना को हमें दरिया करना सुबह एक बड़ा ही एक खुशी का एक खुशखबरी है यहाँ पर बीएसके कॉलेज के लिए सेकंड गोल दागने वाले खिलाड़ी को 1500 रुपये से सम्मानित किया जाएगा ऑफर रखने वाले हैं एफसी इलाहाबाद पाकुड़ के टीम के मैनेजर सुनील सोरेन जी अब देखना है ये 1500 किसी के पॉकेट में जाएगा या फिर वापस ही सुनील जी को ही मिलेगा लेकिन इतना तो तय हो गया है अगर गोल नहीं होती है तो 1000 वापस और इसके बाद बोला है कि यहाँ कमेंटेटर सुशील जी रिंकू जी तुषार जी के लिए 500 ऑफर रहेगा अगर गोल नहीं होता है साथ में हमारे मुखिया साहब नायका जी भी उसमें आप लोग इंक्लूड कर लेते हैं हमारे जो कि मुखिया साहब हैं और बड़ा आराम फरमा रहे हैं क्योंकि वो खुद कल ही उनका टीम सेमीफाइनल में पहुंच गया है रांची रामगढ़ और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दिन में भी सपने देखने लगे हैं कि कहीं ना कहीं 3 लाख या 2.5 लाख तो मिल ही रहा है खैर ये तो मजाक की बात हुई और हंसी मजाक चलते रहना चाहिए जिंदगी में अगर टेंशन लीजिएगा तो टेंशन का पेंशन नहीं मिलता है बस आप खुशी के साथ आप एंजॉय करें नेक्स्ट मैच के लिए कृपया करके दोनों टीम के मैनेजर अपने प्लेयर को रेडी करके रखेंगे नेक्स्ट मैच के टीम के मैनेजर नेक्स्ट मैच जो होगा पीके 11 गंगारामपुर वेस्ट बंगाल और बद्दू रेखता क्लब परगना टोला ये तला रे राजेश ये ले गुण काटे शॉट आडी बॉज बेहतरीन क्रॉस लगाओ कदा मेनखान हते भी खिलाड़ी चीज डाउन करते हैं बॉल कंट्रोल करना मीटे देखने लायक कथा दो लिया कथा लिया जल सुशील ये कुछ समय खोज यहो बेहो जब बीएस के कॉलेज उन्हें चर्चित बांध है करना और शुरू शुरू है अपन बाबू ए आर बी बाबेन चलाओ के नाने ड्रेसिंग रूम रे जाए कहते उस सारा चला लगी कुर्बटू बन परगना टीम रन परगना टोला रन टीम रन खिलाड़ी तो सुशील मिटे नोडे नियल था बले जे नोडे राजेश ब्रंडी या फिर बरोन उनको दो 14 नंबर रहे उनको को खिलाड़ी अगर शुरुआती समय में अगर रिकॉर्ड नियल तक उठाए तो लहत थोड़ा का न्यू प्लेयर को कहेगा ना खेल रहा हूं ना लहत उसी का पात्र बन रहे हैं देखिए रोजी रोजगार पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा आदमी को समझ आना चाहिए कि कहाँ क्या करने से अच्छा रहेगा मैं आपको मना नहीं करता हूँ हमारे युवा रोजगार करें पैसा कमाएं इसे हम लोगों के लिए खुशी की बात है इसी बीच में देखना है ये टीम के कैप्टन थोड़ा सा पिछड़ के रह गए हैं तो सुशील इंजन था राजेश भी था और बरो नुआ टीम रे नेतार धुरंधर को बढ़ावा उन उक्त नया नया मिल खाज तो दुखु खिलाड़ी उन अनुभव बाकु था एक था और नुआ यद की पसे मंडी हो नुआ टीम रे मीठे भरोसे मन खिलाड़ी तो यह बढ़ावा बन गया बन गया अरे बादम बादम खतरनाक खेला ना रे
Una ground lagbhag 1500 का जो प्राइज है जो सेकंड गोल का कोई ले पाएगा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अगर ये प्रोजेक्ट का देखने को मिलेगी कि गाजन बंदा की टीम इस दूसरे हाथ में क्या गोल वापसी कर पाएंगे नहीं। अभी तक मैं समझता हूं जिस तरीके का पोजीशन में अभी तक असलम या डेविड बेको जैसे स्टार जो दो विदेशी मूल के खिलाड़ी दोनों उतने बेहतरीन तरीके से कोई उन साथी खिलाड़ी उनको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि फॉरवर्ड लाइन में आज उतना असर नहीं उतना छाप नहीं छोड़ पाया है। और दूसरे हाफ तक के खेल में जहां बरहरबा की टीम इस मुकाबले में लीड कर रही है, अगर कुछ देर अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर दिक्कत है कि मल्डा की टीम काफी हद तक हार का जो खतरा है हारने का खतरा वो निश्चित रूप से सताने लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस टीम में भी वो क्षमता है। अच्छा हेडर इसी बीच में जिस तरह से क्रॉस किया था टीम के कैप्टन सुखदेव ने, लेकिन जिस तरह से हेडर के जरिए दिशा देने का प्रयास तपन हरम, लेकिन गोलकीपर चांद गुरु के ग्लव्स में जाती हुई तो अधिक घमासान मैच सुशील सोनू कुमार हासदा हमारा जगह तो बना टीम की वह मैच रहा सिचुएशन किन बुझे वेकन गया और वह सिचुएशन आधार की बना टीम की गति के ना चला जी किन बनाया गया कटिक मरंग हार्त चलते थे सेमीफाइनल रह सेटर हो गया कुकमू नोटे के रफ्तू दौते किन और सरीगी और अच्छे लेकर का तो वह मैच नाव का बीच Indonesia pun nyelekan, asgar ke ukado tu sar damen ke jaya kar, ekin gol bagi kata yang nyelekan sari akan match, panar se kon ki bilkul barabari, bilkul 50-50 da match, dan kan udah kon meja usar nama gol lagi, aur itna sundar gol, jersey number 9, aur ye hai, Viswanath Kisku, aur yaha par defensive zone mein thoda sa mistake kiya, wahan, Viswanath jo hai, thoda sa free wahan स्टेशन को मिल गया शॉट लेने के लिए और इतना खूबसूरत तरीके से बिल्कुल सेकंड पोस्ट में एक सुंदर सा गोल डाल दिया और मैच को वापसी किया है। और इस प्रकार से दोनों ही टीम एक एक की बराबरी पर, और जिस प्रकार से तुषारदा कह रहे थे कि यहां पर अगर
स्कोर को छोड़कर के इस मैच को देखा जाए तो खेल में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है गाजल मालदा का। और वाकई में एक एक शून्य की बराबरी पर इस सेकेंड हाफ के इस चरण में दोनों ही टीम के प्लेयर्स, और यहां से देखना होगा टीम में जो है और ज्यादा यहां दोनों ही टीम में और ज्यादा यहां पर जो उनका मनोबल है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ, और यहां से प्रयास करेंगे कि यहां से सेकेंड गोल हो। लेकिन देखना होगा सेकेंड गोल आखिर करके कौन सा टीम के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। और सुशील कितना मौज उड़ रहे, फिर एक खिलाड़ी टीम ऊपर था, कोई मैन मार्किंग बन पाएगा ना, और कहीं ना कहीं वह डिफेंडिंग एरर चलते थे। पीएसके बार हर बार टीम बड़ी बड़ा महंगा पड़ावा हुआ, और नहीं तो बना टीम रिया मनाव का खेल रिया सिचुएशन एक एक गोल करते हैं। Man, विश्वनाथ किसकू को गोल रोड के एडिशन आ रहा है टीम में वापसी का हुआ। गाजल बल्दा पना टीम के अड़ी चुस्त दुरुस्त टीम का रखी नियत तला रही तो डेविड बेको लहा से बढ़ा दिया कुर्बट हुई अड़ी मौज कटिंग में सामी के खिलाड़ी कटिंग के पे और संगीत को अड़ी बेहतरीन रिलीज बॉल बॉल का हुदा रे करा मेन खान ना कोई लहर पसे ऑफ साइड रहा बस नहीं उतरू सरदार खेल ये तलर है बॉल यहाँ से और संभवतः यहाँ एक खिलाड़ी चोटिल आदि तौर पे उन्हें लिखा रहे जाएगी थोड़ा अपना फिर थोड़ा गान उन्हें बीते खिलाड़ी बजाओ कदम और कोई चैंपियन है बनाओ नहीं तो 3 लाख बड़ी ढेर प्राज कोई दिया पैसा रूप रहे 3 लाख और सेकंड रे 2,50,000 पसे नहीं है तलारे नहीं तो मीठे खिलाड़ी बदल दा सी जगह रे पसे प्रधान है बलों कर रहा सेकंड हाफ रे सेकंड हाफ रे बना टीम की नहीं तो एक एक किन गोल का होना ची दुआ मैच हो ट्राई बरकर की चबा या फिर क्या ची हुई वाला मैच रे नहीं तो कहना मुश्किल गया इस मुकाबले का 18 फरवरी 2023 में जो फुटबॉल मैच का आयोजन ऑर्गेनाइज होगा उसमें फर्स्ट प्राइज रहेगा 4 लाख सेकंड प्राइज 3 लाख कॉन्सोलेशन प्राइज 75,000 जो सेमीफाइनल में हारेगी और एंट्री फी रहेगा 24,999 एक एक गोल रिया बराबरी रहे चीख हुआ मैच पेनल्टी रे चला या फिर जहां से कोई गोल हुआ मैं सिर्फ एक शब्दों में हाँ या ना में उतर कर देना चाहूंगा क्या लगता है रिंकू जी यहां से क्या मुकाबला क्या ड्राइवर करके और दोनों टीम धीरे धीरे जाते हुए दिख रहा है या फिर किसी भी तरफ से यहां अंतिम समय में गोल हो सकता है तुषार जी आपका और एक कहीं ना कहीं इसके कॉलेज पर हवा के खिलाड़ी आपने सही कहा और एक सप्ताह में जवाब देने के लिए मैं भी चाहूंगा कि जैसा गति दोनों तरफ से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये मैच हमें मेरी अंदाजे से यही लग रहा है कि हम सीधे तौर पर ट्राई बिगर शूट के ही और जाने का ज्यादा चांस क्योंकि अगर बाई चांस ही अगर ऐसा हो पाएगा जैसे साइलेंट ने किया था अपनी टीम के लिए अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी तो बहुत भाग्यशाली होंगे दोनों टीम में से कोई एक टीम अन्यथा हमें पुनः एक बार ट्राइबेकर सिटी और जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और रिंकू जी सही रूप से मैं आपके बातों से मैं एग्री करता हूँ कि मैच का जिस जगह पर जिस तहलीक पर दोनों इस समय खेल रहे हैं और ये मुकाबला चला गया है तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कहीं ना कहीं यहाँ से ड्राइवर करके और ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। दोनों टीम के मजबूत पक्ष जो डिफेंस लाइन
काफी हद तक मजबूत कर लिया है, जहां बंगाल की टीम भी चार जो डिफेंस लाइन में आकर के अपने डिफेंस लाइन को वहां पर अच्छा डिफेंसिव करते हुए, और सेम चीज वहीं पर देखने को मिल रहा है बीएसके कॉलेज पर हर बार। इसी के साथ यहां पर फुल टाइम विसिल बज गई और इस तरह से आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच आज के दिन का यहां पर एक एक गोल के साथ दोनों टीम बराबरी पर मैच को खत्म किया।